दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जसप्रीत। वेलकम टू जिहिविया ट्रैवल वर्ल्ड। और आज हम बात करेंगे थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल की। तो हम पहुंच चुके हैं मुंबई के एयरपोर्ट पर, जहां हमें सिर्फ चाहिए एक पासपोर्ट और एक फ्लाइट बुकिंग डिटेल्स, जिसमें आपकी रिटर्न की टिकट होना बहुत ज़रूरी है। आपको अंदर आते ही अपनी फ़्लाइट का काउंटर ढूंढना है और यहां पर आपको अपना लगेज जमा करवाना है, और उसके बाद मिलेगा आपको ये बोर्डिंग पास, और यहीं पर आपने अपने लगेज बैग को छोड़ जाना है। इसके बाद आपकी होगी सिक्योरिटी चेकिंग, जिसमें आपका कैबिन बैग और आपकी खुद की पूरी सिक्योरिटी चेक होगी। उसके बाद आपको आगे जाना होगा इमिग्रेशन ऑफिसर के पास, जहां आपके पासपोर्ट और वीज़ा को चेक किया जाएगा। लेकिन ये ऑन अराइवल वीज़ा है, तो आपको को सीधा जवाब देना है कि हमारा ऑन अराइवल वीज़ा है। और ये आप देख सकते हैं हमारे मुंबई के एयरपोर्ट का खूबसूरत नज़ारा। और इसके बाद निकल लिए हम अपने फ्लाइट के गेट की तरफ, जो आपके बोर्डिंग पास पर लिखा रहेगा गेट नंबर। जैसे हमारा गेट नंबर 71 था, और आपको वहाँ देखना पड़ेगा, ऊपर लिखा होता है आपका गेट नंबर किस तरफ है। सभी गेट एक तरफ नहीं होते, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारा मुंबई का एयरपोर्ट कितना खूबसूरत है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके बाद हम सीधे पहुँचे अपने गेट नंबर पर। यहाँ कुछ ऐसा बोर्ड लगा दिखाई देगा आपको, और आपकी फ़्लाइट नंबर की डिटेल सभी दी जाएगी। और ये रहा हमारा एयर इंडिया का प्लेन, और बाकी आप एयरपोर्ट का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। इसके बाद हम बैठ के अपने प्लेन में, इस समय टाइम था सुबह के 3 बजे, तो यहाँ बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो सुबह होते ही हम पहुँचे बैंकॉक, और यहाँ का आप खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। जहाँ पहुँचने से पहले आपके पास 4 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। पहला आपका पासपोर्ट, दूसरा आपके रिटर्न टिकट की बुकिंग डिटेल्स, और एक आपके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए 6x4 सेंटीमीटर की, और आपके पास होना चाहिए 10,000 baht पर पर्सन। तो ये है यहाँ का एयरपोर्ट, काफ़ी अच्छा है, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं है जितना इनका शहर। तो ये डिटेल्स है उन कंट्री की जिनको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। आपको वीज़ा ऑन अराइवल के लिए ऐसे बोर्ड लगे दिखाई देंगे, आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको इनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। आपको आगे 2 फॉर्म मिलेंगे, एक ये फॉर्म है, ये काफ़ी ईजी है, और दूसरा फॉर्म ये है, ये भी काफ़ी ईजी है, लेकिन ये फॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। तो एक साइड है अराइवल कार्ड, और दूसरी तरफ है डिपार्चर कार्ड। तो ये डिपार्चर कार्ड आपको मिलेगा, इसको किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं है, ये आते समय आपको उनको वापस देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो इसके बाद मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बताएंगे कि पताया कैसे जाना है और किस तरह से हमने सस्ती बस के थ्रू ट्रैवल करना है। तो उस सब को जानने के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आपको पूरी डिटेल में बताया जाएगा कहां पर आपके बस काउंटर है, कहां पर आपको जाना है। सो थैंक यू, बाय बाय।